जोहानिसबर्ग टेस्ट की पहली पारी में 25 रन पर आउट होकर पवेलियन लौटे पुजारा ने दूसरी पारी में उस कसक को पूरा कर दिखाया। स्टेन के ओवर की दूसरी गेंद पर इस बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ ही पुजारा ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया। His 600 in Test cricket, his first in South Africa, and a well-deserved round of applause from this crowd that's gathered and his teammates for a well-compiled innings. 16 टेस्ट मैचों के छोटे से करियर में ये छठी बार है जब पुजारा ने तिहाई का आंकड़ा पार किया है। A well-executed cover drive. इस मैच से पहले पुजारा के नाम दो दोहरे शतक समेत कुल 5 सेंचुरी दर्ज थी। टेस्ट की नंबर 1 टीम के खिलाफ उसी के घर में ठोका गया ये शतक कई मायनों में अहम है। So this field is very interesting now. हिंदुस्तान से बाहर पुजारा की इस पहली सेंचुरी ने उन तमाम सवालों को दरकिनार कर दिया है जो विदेशी जमीन पर इस बल्लेबाज की सफलता को लेकर सुनाई देते रहे हैं। 168 गेंदों में 13 चौके की बदौलत निकले इस शतक ने पवेलियन में बैठकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे कप्तान धोनी की राह को और भी आसान बना दिया है। भारत की पहली पारी में जिस काम को अकेले विराट कोहली ने अंजाम दिया था, दूसरी पारी में पुजारा ने उस काम को आगे बढ़ाया और विराट उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। Is probably more realistic. So half century there for Virat Kohli, got 100 in the first inning. पुजारा के बल्ले से निकले इस शतक ने द्रविड़ के इस उत्तराधिकारी को दिए गए नई दीवार के खिताब पर एक और पुख्ता मोहर लगा दी है। It was a half volley and it was a perfect way to get there.